बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर। खैरा ले, मैं हूँ ज़ाहिर साफ़ी, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का है स्टॉइकियोमेट्री। स्टॉइकियोमेट्री से पहले चंद एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में आपने कुछ डेफिनेशन और कुछ बेसिक्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एटम और मॉलिक्यूल्स की। तो बेटा, सबसे पहले जो है एटम की डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर फर्स्ट है, एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम मादे के वो छोटे से छोटा जर्रा है जो कि आज़ाद घूम भी सकता है और आज़ाद नहीं भी घूम सकता। तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो आज़ाद एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसे कहते हैं एटम। एटम जो है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, स्मॉलेस्ट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं होता। स्मॉलेस्ट का मतलब ये है कि छोटे से छोटा जर्रा है, लेकिन ये फर्दर डिवाइड हो भी सकता है। सेकेंड डेफिनेशन ये है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच एंटर्स इनटू अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। ये छोटे ये मैटर का वो छोटे से छोटा जर्रा है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो अब जो है एटम की मैं जरा एक्सप्लेनेशन करूँ। अब हमने फर्स्ट डेफिनेशन में कहा कि मैटर वो छोटे से छोटे जर्रा है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और फ्री एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। तो फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि ये आज़ाद घूम सकता है। तो वो कौन सी एलिमेंट एटम है जो कि आज़ाद घूम सकती है नेचर में? तो वो चीज़ आज़ाद घूमेगा जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो स्टेबल एटम या स्टेबल एलिमेंट के एटम जो है वो आज़ाद घूम सकते हैं। तो एटम में जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होंगे? वो स्टेबल होंगे। और नेचर में स्टेबल एलिमेंट कौन कौन से हैं? हमें पता है कि नोबल गैसेस जो है ये ऐसे एलिमेंट है जो आज़ाद घूम सकते हैं। नोबल गैसेस जो है कौन कौन से है? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनान है और रेडॉन है, आरएन। इन सब में जो है रेडॉन रेडियो एक्टिव है। तो ये वाले एलिमेंट जो है ये आज़ाद घूम सकते हैं। अब ये सिर्फ एक बड़ा एक बड़ी फिलॉसफी है कि वाई ये वाले एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स में से ये 8-10 एलिमेंट जो है आज़ाद घूम सकते हैं। तो ये एक बड़ी फिलॉसफी इसके पीछे ये है कि इन सब एलिमेंट्स जो है इसका ऑक्टेट पूरा है सिवाय हीलियम के, यानी बाकी एलिमेंट्स का क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी आखिरी शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो ऐसा एलिमेंट जिसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो वो स्टेबल होता है, वो आज़ाद घूम सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट है जो कि आज़ाद घूम सकते हैं? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन है, ठीक है। इसके अलावा चंद मेटल ऐसे हैं जिसे नोबल मेटल कहलाते हैं, और वो नोबल मेटल कौन कौन से हो सकती है? गोल्ड है, कल भी हमने बात की, सिल्वर है, प्लैटिनम है और पैलेडियम है। ये अंडर नॉर्मल कंडीशन पर फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। हाउएवर इनकी रिएक्टिविटी है, अगर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और पैलेडियम की बात करें तो ये रिएक्टिव है, लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन ये एयर और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो ये वाले एलिमेंट जो है ये एटॉमिक फॉर्म में है, यानी इसने किसी और एलिमेंट एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, लिहाजा ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि स्टेबल है। दूसरी फॉर्म है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, नो फ्री एग्जिस्टेंस। तो नो फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि ये होंगे इन कंबाइंड फॉर्म में, और ये कंबाइंड फॉर्म में क्यों होंगे? बिकॉज दिस एलिमेंट आर लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि इट हैज अ इनकंप्लीट ऑक्टेट आर डॉकलेट, ऑक्टेट आर डॉकलेट, यानी इसके आखिरी शेल में इनकंप्लीट, यानी 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिहाजा ये नेचर में Q
किसी एलिमेंट के साथ किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होके अपनी स्टेबिलिटी गेन करेंगे। तो वो वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हीलियम यार, ट्रिप्टन, जीना, केला, ओबा के जितने भी एलिमेंट है, ये क्या है? ये प्री एग्जिस्टेंस में ही कर सकता, लाइक ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है, या ये वाटर के फॉर्म में है। आप देखें लाइक क्लोरीन, देखेगा क्लोरीन या HCl2 के फॉर्म में है, HCl के फॉर्म में मिलेगा, Cl2O7 के फॉर्म में मिलेगा, एक्सेट्रा। तो बाकी एलिमेंट्स ये प्री एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता। दूसरे डेफिनेशन में और गौर करेगा कि ये वो छोटे से छोटा जरा है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और ग्रीन भी देते हैं स्पार्क, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो हमने हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली, दोनों को प्लैटिनम की मौजूदगी में हीट किया, वाटर मॉलिक्यूल बना, ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के हाइड्रोजन एटम ने रिएक्शन में हिस्सा लिया। सिमिलरली ऑक्सीजन गैस के ऑक्सीजन एटम ने रिएक्शन में हिस्सा लिया। तो इस ऑक्सीजन का छोटा जर्रा ऑक्सीजन एटम है, सिमिलरली हाइड्रोजन गैस का छोटा जर्रा हाइड्रोजन है, लिहाजा ये दोनों कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, या जब भी रिएक्शन होता है दो चीजों के दरमियान में, तो वो एक्चुअल में एटम आपस में मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं। एटम जो है इसके अंदर डिविजिबल चीज है, और डिविजिबल का मतलब ये है कि ये फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। उस पार्टिकल को जो कि एटम को बनाते हैं उसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल आपने सुना होगा कि ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है दो पार्टिकल मौजूद है, जो कि हमें पता है बड़े बेसिक पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और दूसरा है न्यूट्रॉन, ठीक है। और एटम के बाहर जो मूविंग पार्टिकल है जो घूम रहा है, हाँ, मूविंग पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ये तीन बेसिक हमें पार्टिकल्स का पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन मॉडर्न रिसर्च शो कर रहा है कि देयर आर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन अ टिपिकल एटम। तो एटम के अंदर जो है 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री में हमने इनकी दो ग्रुप्स बनाए हैं। एक को कहते हैं फंडामेंटल, दूसरे को कहते हैं नॉन फंडामेंटल। एक है फंडामेंटल और दूसरी क्या है? नॉन फंडामेंटल है, ठीक है। अब ये फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल किस बुनियाद पर है? तो फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल इस बुनियाद पर है, अगर मैं कहूँ कि फंडामेंटल पार्टिकल, तो फंडामेंटल पार्टिकल से मुराद ये है कि द दोस पार्टिकल विच यानी इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन देम, यानी एटम की मोस्ट प्रॉपर्टी जो है इन एलिमेंट्स पर इन्हिसार करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? ये है इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के शेल में घूम रहा है, प्रोटॉन दूसरा चार्ज पार्टिकल है, द थर्ड वन है न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स, बिकॉज एलिमेंट के मोस्ट जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है इन पार्टिकल्स के ऊपर इन्हिसार रखते हैं। दैट्स व्हाई केमिस्ट्री में हमने इसको सिंपली कहा है फंडामेंटल पार्टिकल्स। लेकिन फिजिक्स में इसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स वो है जो कि फर्दर सब डिवाइड नहीं होते या फर्दर सब पार्टिकल से नहीं बना होता, और नॉन फंडामेंटल को फिजिक्स के मुताबिक वो पार्टिकल है जो कि फर्दर सब पार्टिकल से बने होते हैं, उसको नॉन फंडामेंटल
पार्टिकल्स कहलाते हैं। अच्छा फंडामेंटल नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हम केमिस्ट्री में इसको डिफाइन करते हैं कि जो वो पार्टिकल है जो के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन नहीं करते, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो ड्यूरिंग न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव डीके बन जाते हैं। वो कौन कौन सी है? उसमें है एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, हेप्रियन, इसी तरह मीजोन और क्वार्क्स जो है, ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि एलिमेंट्स के एटम के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये वाले पार्टिकल्स आपने कभी नहीं सुने होंगे जिसने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया या किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन किया, लिहाजा इसको हम नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। अब हमने फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल को तो समझ लिया। अब एक एलिमेंट की पहचान होती है, एक एटम का पहचान होता है, तो एक एटम को हम कैसे पहचानते हैं, किस चीज से एटम को पहचाना जाता है? अब जरा गौर करें, पार्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हेप्रियन, मीजोन वगैरह है। तो अब एक एलिमेंट को हम किस पार्टिकल से पहचानते हैं, तो याद रखो ये बड़ा एक बेसिक चीज है कि कौन से पार्टिकल जो है ये एटम का क्या है, बेसिक आइडेंटिटी है। तो एटम का बेसिक आइडेंटिटी है जो बेसिक एटम की बेसिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी बेसिक की आइडेंटिटी कौन है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी जो है ऑल। तो एलिमेंट की बेसिक आइडेंटिटी जो है, बेसिक जो शनाख्त है, ये बेटा कौन है, प्रोटॉन डिटरमाइन करते हैं एटम की आइडेंटिटी को। यानी अगर आप एटम को देखें, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि एटम लॉस भी कर सकता है आसानी के साथ और गेन भी कर सकता है। सिमिलरली अगर न्यूट्रॉन की बात कर ले, तो एटम का एक आइसोटोप ऐसा होगा जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होगा, दूसरा आइसोटोप होगा जिसमें न्यूट्रॉन होगा। यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये वेरी कर सकता है विद इन द सेम एटम, लेकिन प्रोटॉन जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रोटॉन लेट से अगर आपने कहा हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, अगर आपने कहा कि हाइड्रोजन के अंदर मैंने दो प्रोटॉन डाल दिए, तो आपने एलिमेंट को चेंज किया, ये हीलियम हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। लिहाजा बेसिक जो आइडेंटिटी है, बेसिक जो शनाख्त है एटम का, वो क्या है, वो है प्रोटॉन। So this was the sum of the knowledge about the subatomic particles. अब एटम का सिंबल और एटॉमिक मैसेज जो है, एटम को हम एक सिंबल से शो करते हैं, इसकी पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है या उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है। तो एटॉमिक मास और सिंबल के लिए एक साइंटिस्ट है जिसने बड़ा काम किया है, जेबर्जीलियस है, उस ये एक स्वीडिश केमिस्ट था। उन्होंने क्या किया, उसने एटम के मासेस को डिटरमाइन किया, दूसरी बात ये है कि उसने इन्वेंट किया सिस्टम ऑफ राइटिंग द सिंबल, एलिमेंट एटम के लिए सिंबल का जो रिवाज है या जो सिस्टम है, ये किसने डिजाइन किया, ये बर्जीलियस ने डिजाइन किया। मिसाल के तौर पर अगर आप मैं कहूँ कि सोडियम का सिंबल क्या है, Na है, इसी तरह पोटेशियम का सिंबल K है, लिथियम का सिंबल Li है, इसी तरह आयरन का सिंबल Fe है, टिन का सिंबल Sn है और निकल का सिंबल Ni है। अच्छा ठीक है, फिर आगे जो है सिंबल के आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियो में, लेकिन हमसे सिर्फ इतना आइडिया हो कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं जो मोस्टली उसके जो नेम है उसके फर्स्ट टू वर्ड होते हैं, विद सम एक्सेप्शन। लाइक सोडियम जो है, इसका इंग्लिश नेम है सोडियम, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन या सिंबल N है, जिसका मतलब है नेट्रियम। और पोटेशियम जो है, इसको हम पोटेशियम बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल के जो निकला है, ये कैलम से निकला है। लिथियम जो है, इसका नाम लिथियम है, लिहाजा इसका फर्स्ट टू वर्ड जो है इसका सिंबल है। इसी तरह आयरन को हम फेरम बोलते हैं, ठीक है, और टिन को हम स्टेनस बोलते हैं, स्टेनस सिंबल है, इसी तरह एन आई इज द सिंबल ऑफ मेटल। तो ये वाला जो सिस्टम ऑफ नेमिंग है, राइटिंग सिंबल जो है, ये बर्जीलियस का काम है। अब नेक्स्ट जो है,
एटम के साथ जो रिलेटेड है वो दूसरी ये है कि एविडेंसेस ऑफ एटम, हम एटम की एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, हम कैसे हम जो है कहते हैं कि भाई एटम की एग्जिस्टेंस है। तो दो टेक्निक्स ऐसे हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है, एटम मौजूद है। याद रखो एटम इतना छोटा जर्रा है कि हम उसको देख नहीं सकते, तो उसको देखने के लिए हमें हाईली रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप चाहिए। तो हाईली रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो है ये एटॉमिक लेवल या एटॉमिक साइज तक एक चीज की जो है आइडेंटिफिकेशन या रेजोल्यूशन कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर द determination of atom, yeah, it is used for the detection or the evidences of atom के में हम use कर सकते हैं electron microscope को। दूसरी जो technique है experimental technique है X-ray technique use किए जाते हैं atom की evidence में। तो अगर हम एक crystal लेंगे और उस crystal के हम XRD लेंगे, XRD इस पर यानी एक्सरे रेस उस पर डायफ्रेक्ट हो जाए तो वो उस एटमों की तस्वीर देंगे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि दो टेक्निक्स हैं जिसे हमें एटम के बारे में पता चल जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है और दूसरा है एक्सरे। एटम इतना छोटा जर्रा है कि अगर एक फुल स्टॉप के अंदर जो है ऑलमोस्ट 2 मिलियन एटम अगर आपस में कंबाइन हो जाए और ये एक दूसरे के साथ लिंक हो जाए तो 2 मिलियन एटम जो है एक फुल स्टॉप बना लेगा। तो इतना छोटा पार्टिकल जो है उसको आम जो माइक्रोस्कोप है उससे देखा नहीं जा सकता। इसलिए हम दो टेक्निक्स एविडेंसेस ऑफ एटम के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे यूज करते हैं। अच्छा, अगर हम एटम की साइज की बात करें तो साइज ऑफ एटम जो है ये बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल है, हम ऑर्डिनरी आई या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप उसको नहीं देख सकता। तो इतना छोटा है तो साइज या डायमीटर भी बड़ा छोटा होगा। तो इस साइज ऑफ एटम जो है इट इज इन द रेंज ऑफ 2×10⁻¹⁻ मीटर है, या इसे हम कहते हैं कि 0.2 नैनोमीटर जो है ये एटम का रेडियस या एटम का साइज है। तो आप जो है देखिएगा कि इसका एटम का साइज जो है नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, मास ऑफ एटम की अगर आप बात करें तो एटम का साइज जो है ये 10⁻⁷⁻⁷ kg है। तो एटम का वजन भी बहुत कम है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम बेसिक्स कंसेप्ट पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।